दी डिक्टेटर इस मूवी को 2012 में रिलीज किया गया था। किम जोंग इल और मुअम्मर गद्दाफी जैसे सनकी तानाशाहों की रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई गई इस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया। ये कहानी है वादिया के तानाशाह अल्लादीन की। शायद काफी कम उम्र में ही सत्ता हासिल होने के कारण उसका दिमागी विकास नहीं हो पाया और शायद इसीलिए उसके शौक भी काफी अजीबोगरीब हैं। तो मूवी के प्लॉट को ज्यादा रिवील ना करते हुए शुरू करते हैं सनक से भरी इस डार्क कॉमेडी मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम नॉर्थ अमेरिका के वादिया का सीन देखते हैं। यहाँ 1973 में हफाज अलादीन का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद ही उसके पिता ने उसकी मां को मरवा डाला। महज 7 साल में ही उसे सत्ता हासिल हो गई। अब अलादीन बड़ा हो चुका था और अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने 30 वर्जिन फीमेल गार्ड्स को रखा है, जिसमें से एक फीमेल गार्ड के ब्रेस्ट काफी ज्यादा मजबूत हैं। इसके साथ ही वो काफी ज्यादा ताकतवर भी है। सनकी और बेहिसाब पैसा होने के कारण हाल ही में उसने ओलंपिक गेम्स का आयोजन करवाया। हम देखते हैं कि जो प्लेयर किसी भी खेल में उससे आगे निकलने की कोशिश करता, अलादीन उस पर गोली चला देता। इस तरह से उसने खुद के नाम 14 गोल्ड मेडल जीतकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से सिर्फ अपनी सनक के चलते उसने अपने देश की डिक्शनरी में 14 शब्दों को बदलकर उनका नाम भी अलादीन रख दिया, जिसमें से 2 शब्द पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं। इसी कारण से वहां के लोगों को हर रोज कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी ने HIV टेस्ट करवाया हो तो उसे समझ में नहीं आता कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगले सीन में हम अलादीन को भाषण देते हुए देखते हैं, जहाँ वो ऐलान करता है कि जल्द ही हम न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। इसके बाद वो अपनी सोने से बनी गाड़ियों का काफिला लेकर उस एरिया में पहुंचता है जहां पर इसके साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे। यहीं पर अलादीन की मुलाकात उसके अंकल तामीर से होती है। लेकिन जब अलादीन न्यूक्लियर मिसाइल को देखता है तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अलादीन तुरंत अपने खास साइंटिस्ट नदाल को बुलाने को कहता है और तभी एक साइंटिस्ट उसे याद दिलाता है कि जब आप पिछली बार आए थे तो आपने नदाल को मरवा डाला। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें समझ आता है कि जब नदाल ने वेपन को रेडी किया था तो अलादीन को उसकी शेप पसंद नहीं आई। अलादीन चाहता था कि मिसाइल की शेप को चेंज करके उसे नुकीला बनाया जाए। उसकी बातें सुनकर नदाल कहता है ऐसा सिर्फ कार्टून्स में होता है और वो पूछता है कि कहीं आप कार्टून्स तो नहीं देखते, और इसी बात से गुस्सा होकर अलादीन ने उसे मारने का हुक्म दे दिया। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और जब सामने खड़ा साइंटिस्ट उसे एहसास दिलाता है कि आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है तो अलादीन उसे भी मरवा डालता है। इसके बाद अलादीन वापस से अपने पैलेस में पहुंचता है और जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है तभी सर्वेंट्स में खड़ा एक इंसान उस पर गोली चलाकर उसका भेजा उड़ा देता है। लेकिन आगे हमें पता लगता है कि जो इंसान मारा गया वो अलादीन का एक हमशक्ल था। आमतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो हमेशा उसे ही भेजता था। अगले सीन में अलादीन उस आदमी की लाश के पास खड़ा होकर कहता है कि अब हमें नया हमशक्ल ढूंढना होगा। यहाँ सबके सामने अलादीन उस मरे हुए इंसान को ठीक करने की बात करता है। आसपास खड़े लोग उसे हैरानी से देख रहे थे क्योंकि अलादीन को लगता है कि किसी मशीन की तरह एक इंसान को भी ठीक किया जा सकता है। अलादीन के अंकल उसे समझाते हैं कि ये इंसान ठीक नहीं हो सकता, ये मर चुका है। इसके बावजूद भी अलादीन उस मरे हुए इंसान की तरफ इशारा करके अपने आदमियों से उसे मारने को कहता है। अलादीन के वहां से निकलने के बाद हमें समझ आता है कि अलादीन को मारने की प्लानिंग उसके अंकल तामीर ने ही की थी, क्योंकि तामीर वहां की सत्ता हथिया कर वहां मौजूद तेल को बेचना चाहता था। आगे तामीर प्लानिंग करता है कि हमें कोई ऐसा हमशक्ल ढूंढना होगा जिस पर हम अपनी मनमानी चला सकें, और इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके सिपाही एक बकरी चराने वाले को पकड़ते हैं।
अलादीन की मंजूरी लेकर उसी चरवाहे की शक्ल को सुधारने का काम शुरू किया जाता है। उसी रात हम अलादीन को फेमस सेलिब्रिटी मेगान फॉक्स के साथ इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। क्योंकि वो काफी ज्यादा अमीर है, इसीलिए वो फेमस सेलिब्रिटीज को बुलाकर उनके साथ एंजॉय करता है और जाने से पहले एक याद के तौर पर उनके साथ एक फोटो भी खिंचवाता है। हम देख पाते हैं कि अलादीन ने अपनी दीवार पर काफी सारी सेलिब्रिटीज की फोटोज लगाई हुई थी। अगले दिन अलादीन जब गेम खेल रहा था तब उसके अंकल बताते हैं कि अगर जल्द ही आप अमेरिका नहीं गए तो अमेरिका वादिया पर हमला कर देगा, क्योंकि अमेरिका को पता लग चुका था कि अलादीन न्यूक्लियर मिसाइल पर काम कर रहा है और अमेरिका इसके बिल्कुल खिलाफ था, इसीलिए अलादीन अमेरिका जाने का फैसला करता है। अगले सीन में ही हम अलादीन को उसके अजीब स्टाइल में अमेरिका की एम्पायर बिल्डिंग के सामने देखते हैं। अमेरिका के लोग उसका विद्रोह कर रहे थे क्योंकि वो लोग तानाशाही के भी खिलाफ थे। अलादीन उन्हें इग्नोर करता हुआ बिल्डिंग में एंटर करता है। यहाँ अलादीन के अंकल उसे वहाँ के सिक्योरिटी हेड क्लाइटोन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन क्लाइटोन की बातों से अलादीन को समझ आता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसी रात अलादीन जब अपने आलीशान कमरे में सो रहा था तो एक अजनबी शख्स उसके कमरे में घुसकर उसे किडनैप कर लेता है। आगे हमें पता लगता है कि ये अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि क्लाइटोन ही था। वो अलादीन को किडनैप करके एक खुफिया जगह पर ले गया था। एक्चुअल में तामिर ने ही अलादीन को मरवाने के लिए उसे किडनैप करवाया था और इसकी बातों से अलादीन को समझ आता है कि जल्द ही वो उसे जान से मारने वाला है। जब क्लाइटोन अलादीन को अपने टॉर्चर करने वाले टूल्स को दिखाता है तो अलादीन क्लाइटोन के टूल्स की बुराई करने लगता है और कहता है कि इससे बेहतरीन तो मेरे पास हैं। अलादीन की बातों से फ्रस्ट्रेट होकर क्लाइटोन सबसे पहले उसकी पूरी दाढ़ी को शेव कर देता है और जब क्लाइटोन दाढ़ी में आग लगा रहा था तो गलती से वो अपने आप को ही जला डालता है। इसी आग के कारण अलादीन भी अपने आप को वहां से आजाद कराने में कामयाब हो चुका था। अलादीन वहां से बाहर निकलकर सबसे पहले एक भिखारी से पहनने के लिए कुछ कपड़े लेता है और फिर एम्पायर बिल्डिंग के सामने पहुंचता है, क्योंकि आज वो वहां अमेरिका से समझौता करने के लिए स्पीच देने वाला था। उसी के जैसे वहां और भी काफी लोग मौजूद थे जो अलादीन का विद्रोह करने यहां आए थे। वो गार्ड्स को अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन उसकी हालात देखकर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी उसे वहां से जाती हुई गाड़ी में अपने अंकल के साथ उसी का हमशक्ल दिखाई देता है। ये एक्चुअल में वही बकरी वाला था जिसे अलादीन ने डुप्लीकेट के तौर पर रखने की इजाजत दी थी। इसके बाद वो डुप्लीकेट अपनी स्पीच शुरू है। उसकी स्पीच के अकॉर्डिंग वो अपने देश में तानाशाही खत्म करना चाहता था, लेकिन असली अलादीन इसके खिलाफ था। अलादीन को एहसास हो चुका था कि उसके अंकल तामीर की मदद के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। जब अलादीन बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करता है तो वहां मौजूद गार्ड्स पानी फेंक कर उसे नीचे गिरा देते हैं और वहां मौजूद लोगों की पिटाई करना शुरू करते हैं। यहां अलादीन की हालात को देख कर जोई नाम की एक लड़की उसकी मदद करती है। जोई उसे लेकर अपने स्टोर पर पहुंचती है। अलादीन उसको अपना नाम एल्सन बताता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर मैंने इसे अपनी पहचान बताने की कोशिश की तो ये मुझे पागल समझेगी। जोई उसे यहाँ एक जॉब के लिए भी ऑफर करती है, लेकिन अलादीन बदतमीजी से बात करके वहां से निकल जाता है। ऐसे ही बाहर घूमते हुए उसे अपना स्पेशल साइंटिस्ट नदाल दिखाई देता है। अपने गार्ड्स को कहकर अलादीन ने उसे मरवा दिया था, इसीलिए नदाल को जिंदा देखकर उसे काफी हैरानी होती है। उसका पीछा करते हुए अलादीन एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां वो सभी लोग मौजूद थे जिसे अलादीन ने मारने का हुक्म दिया था। यहां के ओनर को अलादीन से बात करने के बाद यकीन हो गया था कि वही असली तानाशाह है, इसीलिए उसके साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग अलादीन को जान से मारने जा रहे थे कि तभी नदाल ने उन्हें ये कहकर रोक लिया कि ये मेरा कजन है, मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था। ये सुनकर
सुनकर वो लोग अलादीन को छोड़ देते हैं। हालांकि नदाल को भी पता था कि वही असली अलादीन है, लेकिन उसने अलादीन को इसीलिए बचाया क्योंकि वो फिर से वादिया में जाकर काम करना चाहता था। नदाल के जरिए ही अलादीन को पता लगता है कि आज तक उसने जितने भी लोगों को मारने का हुक्म दिया, गार्ड्स ने उन्हें जान से ना मारकर अमेरिका भेज दिया था। ये सुनकर उसे समझ आता है कि आज तक उसकी वजह से किसी भी आदमी की जान नहीं गई। इसके बाद अलादीन उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से वो एम्पायर बिल्डिंग से निकलकर यहाँ तक पहुँचा। वो किसी तरह से फिर से एम्पायर बिल्डिंग में पहुँचना चाहता था ताकि नकली अलादीन को वहाँ से हटा सके। नदाल भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और ये दोनों वहाँ के सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए बिल्डिंग के बाहर पहुँचते हैं। यहाँ पर फिर से अलादीन को जोई नजर आती है और अलादीन उससे छिपने की कोशिश करता है क्योंकि उसने जोई को काफी बुरा भला कहा था। और जब नदाल को इस बारे में पता लगता है तो वो अलादीन से कहता है कि तुम्हें फिर से इस लड़की से दोस्ती करनी होगी क्योंकि इसे यहाँ की कैटरिंग का काम मिला है। इसके अंडर जॉब करके तुम आसानी से इस बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो। ये सब पता लगने के बाद वो वापिस से जोई के पास जाकर उससे माफी मांगता है और जॉब पाने की डिमांड करता है क्योंकि जोई को भी वर्कर्स की जरूरत थी, इसीलिए वो भी उसे काम पर रखने के लिए मान जाती है। लेकिन यहाँ भी अलादीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जो भी कस्टमर उसे पसंद नहीं आता वो उनके साथ बदतमीजी करता रहता है। अगले सीन में नदाल अलादीन को अपने प्लान के बारे में बताता है। उसके बाद ये दोनों शहर का नजारा देखने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और बातों ही बातों में ये दोनों अमेरिका पर हुए हमले 9/11 का जिक्र करते हैं। इनकी बातों से सामने बैठे कपल को इनके आतंकवादी होने का शक होता है, इसीलिए वो पुलिस में कंप्लेन करवा के इन दोनों को अरेस्ट करवा देते हैं। और जब जोई को इस बारे में पता लगता है तो किसी तरह से जोई अलादीन को पुलिस स्टेशन से निकलवा लेती है। जोई को लगता है कि पुलिस ने इस गरीब के साथ बुरा बर्ताव किया होगा, इसीलिए वो अलादीन को एक हग करती है। हम समझ पाते हैं कि जोई की बहादुरी और उसका बिहेवियर देखकर अब अलादीन उसे पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ जब नदाल और अलादीन की ये खबर टीवी पर दिखाई जाती है कि सिर्फ शक के आधार पर इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तब तमीर को भी पता लग जाता है कि अलादीन अभी जिंदा है। अब तक तो उसे यही लग रहा था कि उसने अलादीन को मरवा डाला क्योंकि कुछ ही दिनों में नकली अलादीन अपने नए संविधान पर दस्तखत करने वाला था। इसीलिए तामीर को इस बात की चिंता होने लगती है कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, इसीलिए वो तुरंत अलादीन को मरवाने के लिए अपनी ताकतवर गार्ड को ऑर्डर देता है। वहीं हम देखते हैं कि अलादीन अपनी आदत से मजबूर होकर जोई के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन जोई कहती है तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी होगी। ये बात सुनकर अलादीन को थोड़ा अजीब लगता है तो जोई उसे बाथरूम में भेजकर बाहर से ही जर्क ऑफ करने की इंस्ट्रक्शन देती है। और ये एहसास भी अलादीन के लिए बिल्कुल नया था क्योंकि हमेशा से ही वो किसी न किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता आया था। उसी रात जब अलादीन स्टोर में सोने जा रहा था तभी तमीर की भेजी हुई लेडी गार्ड उस पर हमला करती है। वो अलादीन को जान से मारना चाहती थी लेकिन किसी तरह से अलादीन उसे भी बेहोश कर देता है। इनके बीच हुई फाइट की वजह से स्टोर की हालत बुरी तरह से बिगड़ गई थी। जब एम्पायर बिल्डिंग का मैनेजर ये सब देखता है तो वो जोई के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ देता है। हालांकि जोई इस बात से काफी दुखी हो गई थी लेकिन वो अलादीन को भी काम से निकालना नहीं चाहती थी। अलादीन को रियलाइज होता है कि उसकी वजह से जोई को काफी लॉस हुआ, इसीलिए वो पूरे मन से स्टोर के काम में लग जाता है। वो चाहे खुद किसी काम में इतना परफेक्ट नहीं था लेकिन उसे लोगों से काम करवाना अच्छे से आता था। वो सबसे पहले स्टोर में मौजूद लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से काम देता है, जिस वजह से वहाँ आने वाले कस्टमर्स अब पहले के मुकाबले ज्यादा सेटिस्फाई होने लगे थे। इसके अलावा वो गलत तरीके से भी अपने स्टोर का ग्रेड बढ़वा लेता है ताकि वहाँ पर और भी ज्यादा कस्टमर्स आने लगें।
और अपने स्टोर की तरक्की देखकर जोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में ही अलादीन को नदाल का फोन आता है। वो बताता है कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है, तुम्हें अब सिर्फ नकली दाढ़ी की जरूरत है। नकली दाढ़ी की बात सुनते ही अलादीन इसके लिए मना कर देता है। अलादीन कहता है, मैं नकली दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, मुझे असली दाढ़ी चाहिए। और असली दाढ़ी की तलाश करते हुए नदाल और अलादीन एक बूढ़े आदमी के फ्यूनरल में घुसते हैं और चोरी से उस मरे हुए इंसान का सिर काट कर वहाँ से भाग जाते हैं। अलादीन वो कटा हुआ सिर नदाल को देकर वापिस से जोई के स्टोर पर पहुँचता है। जब वो स्टोर पर काम कर रहा था तो एक बुजुर्ग उससे कहती है, तुम काफी अच्छे इंसान हो। ये सब बातें सुनने के बाद अलादीन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज तक उसे ऐसी बातें किसी ने नहीं कही थी। जिस दिन से वो बिल्डिंग से बाहर निकला था उस दिन से लेकर आज तक उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ चुके थे। तभी अचानक से स्टोर में मौजूद एक प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। हालांकि अलादीन ने कभी भी डिलीवरी नहीं की थी, इसके बावजूद भी वो डिलीवरी करने के लिए आगे बढ़ता है। पहले तो अपनी आदत से मजबूर होकर वो उस औरत की स्कर्ट उठाकर इंटीमेट होने लगता है, और जब उसे फिर से यहाँ की सिचुएशन का अंदाजा होता है तो वो डिलीवरी करने का ट्राई करता है और ये डिलीवरी सक्सेसफुल भी रहती है। उसी रात जोई अलादीन से अपने प्यार का इजहार करती है। काफी पहले से ही वो भी अलादीन को पसंद करने लगी थी, लेकिन इंटीमेट होने से पहले ही अलादीन उसे अपनी असली सच्चाई बता देता है। ये सुनकर जोई काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उसे वहां से निकल जाने को कहती है। जब अलादीन बाहर निकलकर ऐसे ही रोड पर जा रहा था तो उसे पता लगता है कि कल नकली अलादीन वादिया के नए संविधान पर दस्तखत करने वाला है। इस बात से वादिया के लोग भी काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ फिर से अलादीन को एहसास होता है कि असलियत में वादिया की जनता भी उससे प्यार नहीं करती। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो खुदकुशी करने के लिए एक ब्रिज पर पहुँचता है। जब वो सुसाइड करने वाला था कि तभी वहाँ नदाल की एंट्री होती है। नदाल उसे फिर से एहसास दिलाता है कि तुम एक बहादुर तानाशाह हो, अमेरिका तानाशाही को खत्म करना चाहता है और तुम्हें इसे रोकना होगा। अगले दिन ही काफी सारे देशों के लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में आना शुरू करते हैं, क्योंकि आज यहाँ वादिया देश के नए संविधान को पढ़कर उसे लागू किया जाएगा। नदाल और अलादीन साथ वाली बिल्डिंग पर ही खड़े थे। नदाल ने एक ऐसा टूल तैयार किया था जिसकी मदद से अलादीन सीधा उस रूम में एंटर होगा जिसमें उस चरवाहे को रखा गया है। अलादीन नई ड्रेस और दाढ़ी लगाकर तैयार था और किसी तरह से अलादीन उस कमरे में एंटर करता है जहाँ उसे अपना हमशक्ल दिखाई देता है। तामीर ने चरवाहे से ये झूठ कहा था कि जब तक अलादीन की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम्हें ही उसकी जगह लेनी होगी, और अलादीन को देखते ही वो चरवाहा उसके हुक्म का पालन करके उस बिल्डिंग से निकल जाता है। इसके बाद अलादीन उस चरवाहे की एक्टिंग करते हुए तामीर के साथ स्टेज पर पहुंचता है, और वहां जाने के बाद सबसे पहले वो संविधान को ही फाड़ देता है और अपने साथ हुए इंसिडेंट्स की सच्चाई बताकर अपने अंकल को गिरफ्तार करवाता है। हालांकि अलादीन ये कहने के लिए आया था कि वादिया में हमेशा तानाशाही रहेगी, लेकिन जब वो जोई को ऑडियंस में खड़ा हुआ देखता है तो वो इमोशनल होकर कहता है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है। वो कहता है, मैं वादिया को भी एक लोकतंत्र देश बना दूंगा। ये सब सुनकर वहां मौजूद ऑडियंस के साथ जोई भी काफी खुश हो गई थी, इसीलिए वो भागकर अलादीन के गले लग जाती है। तभी तमीर सिपाहियों को चकमा देकर अलादीन पर शूट करता है, लेकिन उसका हमशक्ल अचानक से सामने आकर अलादीन को घायल होने से बचा लेता है। हम देखते हैं कि वादिया भी अब एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था, लेकिन अलादीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। वो फोर्सफुली अपने आप को ही वहाँ का पीएम बनवा देता है। इसके बाद वो जोई के साथ शादी भी कर लेता है। ऐसे ही जब एक दिन जोई और अलादीन एक इंटरव्यू दे रहे थे तो जोई बीच में ही बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर अलादीन भी काफी खुश होता है और जोई से मजाक में पूछता है, लड़का होगा या एबॉर्शन। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है।